Good morning students, I am your maths teacher and today I will teach you maths of class 3rd and today we continue chapter 1 numbers beyond 1000 and today we start new exercise 1.2 part 1. Now see question A. So first of all you open your maths book. This is your maths book, maths of class 3rd. This is your exercise 1.2 and page number 9. So we do first question A part. Write the place value of the colored digit in the following numbers. See here, some numbers are given here and one digit is colored. So we write place value of only colored digit. यहाँ पे कुछ numbers दिए हुए हैं, इनमें one digit colorful है, तो जो colored digit है उस digit की हमें place value लिखनी है. So let's see how we write place value. First part is देखिए first number में हमें यहाँ पे 2515 है, इसमें जो 5 है वो color digit है, तो color digit को मैंने देखिए इस copy में red pen से लिखा हुआ है और मैंने underline भी की हुई है जिससे कि आप easily identify कर सको कि हमें place value किसकी लिखनी है. तो जो कलर डिजिट जो मैंने रेड से लिखी हुई है और अंडरलाइन भी किया हुआ है तो हमें इसी की प्लेस वैल्यू लिखनी है. सो फर्स्ट वी राइट क्वेश्चन लाइक दिस एंड वी राइट आंसर. फर्स्ट यू राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 5. जो कलर डिजिट है वही डिजिट हमें यहाँ लिखनी है तो हम 5 लिखेंगे. अब इस डिजिट को हम पहले यहाँ पर नंबर लिख लीजिए 5. अब देखिए इस डिजिट के पीछे कितनी डिजिट है, कोई डिजिट नहीं है तो हम 5 लिखकर छोड़ देंगे. इसी तरह से देखिए सेकंड पार्ट, ये हमारा नंबर है, इसमें हमें 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी है. सो फर्स्ट यू राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 8. अब पहले आप 8 लिखिए. अब यहाँ देखिए 8 के पीछे यहाँ पर कितनी डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है तो हम यहाँ पे 10 लगा देंगे. इसी तरह से देखिए यहाँ 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो सो राइट यू राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 6. सो फर्स्ट वी राइट 6. अब देखिए 6 है, ये 6 के पीछे देखिए कितनी डिजिट है, ये 1 2 3 तो हम यहाँ पर 30 लगा दीजिए आप, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई. इसी तरह से देखिए फोर्थ नंबर 3679, 6 हमारी अंडरलाइन है, इसकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है. सो यू राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 6. तो सबसे पहले आप 6 लिखिए. अब ये 6 के यहाँ पर देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 तो हम यहाँ पर 20 लगा देंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई हमारी 600. इसी तरह से हमें सभी की प्लेस वैल्यू लिखनी है जो आगे के आपके डिजिट हैं. देखिए मैंने कुछ डिजिट नंबर छोड़ दिए हैं तो इनकी प्लेस वैल्यू आप अपने आप लिखेंगे. नाउ सी बी पार्ट. फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ द डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स. देखिए आप फर्स्ट नंबर देखिए बोथ 8s इन 8258. देखिए ये नंबर है, इस नंबर में 8 टू टाइम्स लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे तब लिखा हुआ है बोथ 8s, यानी कि जो 2 times 8 लिखा हुआ है इन दोनों 8 की हमें प्लेस वैल्यू निकाल कर उसका क्या करना है, सम करना है. मीन्स पहले दोनों की प्लेस वैल्यू लिखेंगे और फिर उनको हम सम यानी प्लस करेंगे. ओके तो देखिए किस तरह से करेंगे, तो सभी क्वेश्चंस में इसी तरह से करना है. बी पार्ट फर्स्ट बोथ 8s इन, यानी कि बोथ यानी दोनों 8 की ये नंबर है, इस नंबर में जो प्लेस वैल्यू है उसे सम करना है. तो पहले हम देखिए आंसर हम यहाँ से शुरू करेंगे. ये क्वेश्चन है हमारा,
जो नंबर है उस नंबर को हम यहाँ लिख लेंगे। अब पहले हम इस 8 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो इसी के नीचे हम लिख लेंगे प्लेस वैल्यू। ये 8 लिखा, इसके कोई डिजिट नहीं है तो 8 का 8 ही रहेगा। अब ये इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है तो हम इसी के नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर ये 8 है और 8 के पीछे देखो कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो हम यहाँ पर 30 लगा दिए। मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू 8000 है और इस 8 की प्लेस वैल्यू 8 है। तो ये दोनों हमें प्लेस वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, सम। सम मीन्स प्लस करना है, तो हम यहाँ से लिखेंगे सम, इक्वल लगा देंगे। पहले हम ये प्लेस वैल्यू लिखेंगे बड़ी वाली 8000, फिर इस 8 को हम यहाँ नीचे लिखेंगे वंस के नीचे और फिर हम प्लस कर देंगे। तो हम इसमें 8 प्लस करेंगे तो 0 and 8 8, 0 का 0, फिर 0 का 0 और 8 का 8, तो हमें आंसर क्या मिला, 8008। यानी कि दोनों के प्लेस वैल्यू का सम 8008 है। सो दिस इज आंसर। इसी तरह से देखिए सेकंड क्वेश्चन, बोथ सेवन्स इन दिस नंबर। ये नंबर है, इसमें 2 times देखो 7 है, बोथ 7 यानी कि जो 2 times 7 है उनकी प्लेस वैल्यू लिखकर प्लस करना है। तो ये नंबर हम पहले हम यहाँ लिख लेंगे बच्चों। अब सबसे पहले ये 7 है, इसकी प्लेस वैल्यू हम इसी के नीचे लिखेंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे 7 आ गया। आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0 का 0 ये नहीं लिखेंगे हम, 7 का 7 ही रहेगा। अब ये 7 है, पहले हम इसके नीचे 7 लिखेंगे। अब 7 के आप देखिए बाहर कितने डिजिट हैं, 1 2, तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। तो ये दोनों की प्लेस वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सम। पहले हम 700 लिखेंगे, देन वी राइट 7, वंस के नीचे 7 लिखेंगे, फिर प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 707। दिस इज द आंसर। तो आपको बच्चों ए एंड बी पार्ट करना है अपनी नोटबुक में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।